एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये दो पार्ट्स हैं, आपको ये फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है। आप सबसे पहले कह सकते हैं कि एक्स और वाई निकालना फर्स्ट फिगर से। आपको बताओ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, मतलब मेरे पास वाई नाइन हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब एक्स एक्स आ गया। क्वेश्चन से खत्म हो गया पहला पार्ट। अब ये वाला देखिए, आप पता आपको डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, मतलब ये चीज इज इक्वल टू ये चीज, देन ये चीज इज इक्वल टू ये चीज, मतलब आर ओ इज इक्वल टू ओ एम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, ओ एस इज इक्वल टू ओ यू, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर। तो आर ओ 16, ओ एन एक्स प्लस वाई, ओ एस 20, ओ यू वाई प्लस 7। ठीक है, तो प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, वाई 13 आ गया, और यहाँ पे वाई इधर चला गया, वाई की वैल्यू फिल कर देनी है, 13 आ गई, तो एक्स आ गया 3। तो मेरे पास एक्स और वाई दोनों आ गए, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन 9th देखिए ध्यान से। तो आपको ये फिगर दे रखी है, आपको ये फिगर दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए, पहले ये वाला पैरेललोग्राम देखा आपने, जब आपने ये पैरेललोग्राम ये वाला देखा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कारण ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम नंबर 1 ले लिया हमने, कंसिडर कर लिया, ये 70 तो ये भी 70। फिर ये दूसरा पैरेललोग्राम मैंने ये कंसिडर करा, तो ये 120 है, तो मेरे पास ये 120 है, तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंसिडर कर रहा हूँ तो ये 60 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम 180 होता है। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम कंसिडर करा, ये 70, तो मेरे पास ये भी क्या होगा, 70। ठीक है, फिर उसके बाद कारण क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये पैरेललोग्राम कंसिडर करा, ये 120 है, तो ये मेरे पास क्या होगा, 60, क्योंकि इसका एडजेसेंट एंगल ये है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब ये 60 हो गया। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, x निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है।